हेलो फ्रेंड्स, द गनु किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनी है। अब ये बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो प्लीज इसे सर्दियों में जरूर खाएं। आपके घुटनों में दर्द वर्द हो तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। प्लीज इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 8 पाए लिए मैंने यहाँ पे। वजन में बोलूं तो 750 ग्राम के लगभग होंगे। आपने पाए का सूप भी पिया होगा। आज मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया प्रेशर कुकर, और इसमें डाल दिया मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल, सरसों का ये वाली, इस वाली चम्मच से डाला मैंने। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़े से खड़े मसाले। मैंने यहाँ पे 5 छोटी इलायची ली है, थोड़ी सी दाने काली मिर्च के लिए है, 2-3 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इन्हें हल्का भून लेंगे ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। और मैंने यहाँ पे लिए 5 मीडियम साइज की प्याज, जो मैंने ऐसे पतली पतली लंबी लंबी कट कर ली है। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें डाल दूंगी मैं, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को लंबी लंबी काट ली है, डाल दूंगी। और साथ ही साथ डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 1 चम्मच भर के डाल दूंगी मैं इसमें जिंजर का पेस्ट, और इसे अच्छे से भून लूंगी। प्याज के साथ साथ ये भी अच्छे से भून जाएगा। अब मेरे अदरक लहसुन और प्याज भी अच्छे से भून गई है, इसे ज्यादा मैं नहीं भूननी है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं अपनी ये पाए। और इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। इन्हें हम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है, बस मिक्स करना है। और इसके बाद डालेंगे इसमें मसाले, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी सी काली है और ज्यादा भूनेंगे तो वो और जल जाएगी। इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच, और इसे मिक्स कर दूंगी और 2 मिनट हल्दी को भूनेंगे। धनिया पाउडर 1.5 बड़े चम्मच और डाल दूंगी साथ ही साथ नमक स्वाद के अनुसार, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और डाल दूंगी मिर्च स्वाद के अनुसार, मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स। और अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा पानी ताकि मसाले हमारे चिपके ना, क्योंकि हमने यहाँ पे तेल कम डाला है तो मसाले चिपक जाएंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब सब्जी हमारी अच्छे से भुन गई है, थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको अच्छे से भून लिया, ज्यादा देर हमें बिल्कुल नहीं भूनी। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं पानी। इसमें टमाटर वमाटर बिल्कुल नहीं डालने, इस तरीके से बनती है। अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी, पानी इसमें अच्छा डालना है ताकि अच्छे से गल जाए। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 गिलास के अंदाजे पानी, और इसे कर दूंगी मिक्स। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, अब मैं इसे ढक दूंगी। और अब मैं 1 सीटी लगाऊंगी हाई फ्लेम पर, और फिर मीडियम फ्लेम पे हम लगाएंगे 8 से 10 सीटियां। मीडियम फ्लेम से लगाने से क्या होता है कि हाई फ्लेम पे फटाफट सीटी आती रहेंगी, और मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से गल जाएंगे। बस आप पहली सीटी लगाएं हाई फ्लेम पे, और फिर उसके बाद आप फ्लेम को कर दें मीडियम। अब इसमें 8 सीटियां लग गई हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी इसमें प्रेशर है, तो प्रेशर ठंडा होने की वजह से हम चेक करेंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। अब एक निकाल के एक देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पीस हड्डी से अलग हो रहे हैं। अब ये परफेक्ट है, अच्छा गल गया है। ग्रेवी भी बिल्कुल बढ़िया है, हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ऐड करूंगी हरा धनिया,
एक बड़ा चम्मच और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको सूप पीना है इसका तो आप थोड़ी ग्रेवी को और बढ़ा सकते हैं पानी डाल के। ध्यान रहे जब सब्जी पूरी बन जाए तो उसमें गर्म पानी डाल के ही ग्रेवी को बढ़ाएं, ठंडा पानी ऐड ना करें। तो फ्रेंड्स, अब मेरी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है और मैं आपको दिखा दूं, ये एकदम परफेक्ट गली है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बोन से एकदम पीस अलग हो रहे हैं। इतनी हमें गलानी है, ज्यादा अलग नहीं करने। इसे बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें। शुरू में जब आप एक सीटी लगाएं तो वो हाई फ्लेम पे लगाएं, उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 सीटी लगाएं और फिर से जरूर चेक करें, पानी कम है तो और ऐड करें और फिर से ऐसी सीटी लगाएं। और जिस तरह से मेरा गल रहा है, जैसे बोन्स दिख रहे हैं हल्के हल्के, ऐसे बोन्स दिखने चाहिए ताकि जो बोन्स का जो जूस है वो भी ग्रेवी में अच्छे से आ जाए और बहुत ही हेल्दी होते हैं ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।